Hi guys, good afternoon everyone. Welcome to Unacademy. My name is Shivangi Gautam and in this session we will be having a mock test marathon jahan pe 10 questions lene wali hu main teen subjects mein se. So we will be having modern history jo ki aaj main discuss karne wali hu 10 questions from modern history theek hai followed by Indian polity uske baad aayenge hum log Indian geography pe. To ye teen subjects hum log lenge 10 questions each ek mini mock ki tarah hoga jo bhi doubt query question confusion ho aapka aap in the comments pin kar sakte ho you can ask me I'll help you with the same ठीक है एंड हर क्वेश्चन को आई बी लाइक टिल द टाइम आई गेट थ्री करेक्ट आंसर्स थ्री पीपल हू आंसर इट करेक्टली आई बी रनिंग द क्वेश्चन ओके हेलो यूजर आई डी सैंग रैंगडोंग गुड आफ्टरनून वेलकम टू द क्लास किसी का कोई भी डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पिन मी इन द कॉमेंट्स आई हेल्प यू विद द सेम ओके So before I begin the class, just a quick reminder about the new batches that we are having here at Unacademy starting from 17th of March. जो हमारा 1 year का course plan start हो रहा है for the English medium aspirants. We will be covering the prelims and main syllabus, ठीक है? साथ ही साथ में लाइव क्लासेस होंगी मृणाल सर ऋषिकेश सर आदेश सर हिमा मैम के साथ वीकली डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस होंगी एनसीईआरटी और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज एंड मॉक क्वेश्चन की सब कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं ठीक है हेलो राधिका हाँ हेलो शमा प्रवीण गुड आफ्टरनून वेलकम टू द क्लास राधिका आई एम वेरी वेल थैंक यू सो मच हाउ आर यू उसके अलावा वी विल बी हैविंग द बाइलिंगुअल बैचेस एंड द इंग्लिश लैंग्वेज बैचेस फर्क सिर्फ इतना होगा इनमें सिर्फ लैंग्वेज का फर्क आएगा एज एन बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश प्लस द हिंदी मीडियम बैचेस जहाँ पे 1 year एंड 2 year के क्लासेस होंगे रेस्ट एवरीथिंग प्रोवाइड विल बी द सेम ठीक है कोड आप यूज कर सकते हो SHIVGLIVE फॉर फ्री एनरोलमेंट And isi sorry for a discount of 10% on using this code on all the iconic and the plus courses. Okay. Hello Abhishek, good evening. Good afternoon. I am very well. How are you? Hello Chira, good afternoon. Hello Nikita, good afternoon. Good afternoon to all of you who've joined the class. Okay. So I am very well, Nikita. Thank you so much. How are you? So we have set of 10 questions in modern history pehle. Uske baad 10 Indian polity ke, 10 Indian geography ke. Theek hai? Here comes the first question. Which amongst the following was the only session of the Indian National Congress that was presided over by Mahatma Gandhi? So out of the given sessions, kaun sa ek lota session tha jahan pe Mahatma Gandhi president the? Theek hai? We have four options. We have Amravati, Belgaum, Nagpur and Karachi. Okay. हेलो रविकांत आई होप जो भी डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन हो आप साथ साथ कमेंट्स में पूछते रहना आई हेल्प यू विद द सेम हेलो मयंक हेलो दीपक गुड आफ्टरनून गाइस क्विकली क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है 1924 में पहली जगह कौन सी थी परफेक्ट वी ऑलरेडी हैव आंसर्स कमिंग चिराग सुधीर मयंक वंदना एब्सोल्युटली करेक्ट बी इज द करेक्ट आंसर बेलगाम बेलगाम इकलौता सेशन था जहां पे महात्मा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ठीक है डीजे वी हैव डिस्कस दिस आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट आप ये गलत आंसर करोगे एब्सोल्युटली राइट रविकांत बी 1924 का जो बेलगाम का कांग्रेस सेशन हुआ था इट वॉज द ओनली सेशन विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी ओके क्लियर सबका परफेक्ट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गाइज यू डू नॉट हैव टू रिट्रैक्ट योर कॉमेंट्स अपना आंसर मत इरेज करो नो बडी इज जजिंग यू अगर गलत आंसर करते हो टेक इट एज अ लर्निंग लेसन पता लग जाएगा कौन सा पार्ट रिवाइज करना है ठीक है एब्सोल्युटली राइट मोहित एब्सोल्युटली राइट दीपक अमय परफेक्टली फाइन ठीक है एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन सब्सक्राइब करो अन अकेडमी के आर्टिकुलेट चैनल को एंड लाइक द वीडियो एज वेल ऑन दैट नोट सेकेंड क्वेश्चन राजयोग कर्म योग भक्ति योग और जो ज्ञान योग है दे आर द वर्क्स ऑफ विच अमंग्स द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया यू टू अभिषेक आई एम सो सॉरी गाइस इफ आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनीवनस नेम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बाय अभिषेक एज वेल सो एम जी रेनाडे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस और राजा राम मोहन रॉय आउट ऑफ दिस गिवन फोर ये जो चार योग है किसका वर्क है क्विकली क्विकली आंसर Come on, guys, quickly, quickly. This is a fairly easy question. So we have answers coming. Mayank, Deep, Bandana. Okay, so we have Mayank, Deep, Ravikant, who have answered B and C. So for all the people who have answered B, we have Santosh, Radhika, Indrani, Mohit, Chirag, Sudhir, Mayank, DJ. Absolutely right. It is Swami Vivekanand. B is the correct option, Swami Vivekanand. Okay? True nature of our lives, Santosh and Rituraj has also answered B, perfectly correct guys, ठीक है? True nature of our lives represent करता है चार governing forces को, the mind, body, emotion and energy. To achieve this, उसके लिए चार path होते हैं, that is Karam Yog, Bhakti Yog, Raj Yog और Gyan Yog. 19th century में चारों paths का जो expoundment था, that was by Swami Vivekanand, ठीक है? Absolutely right, Nikita.
Amrita and Amey as well. Okay, perfectly fine. Santosh, you also perfectly correct answer. Next question, guys. Which of the following organizations provided medical help to the Turkish troops in the Balkan War? Out of the given four organizations, कौन सी वो organization थी जिसने Turkish troops की help करी थी Balkan War में? We have International Council of Nurses, Pax Romana, Global Humanitarian Forum or the Red Crescent Society. We have discussed in one of the questions. एक बार आप अच्छे से question पढ़ो, then answer. ठीक है? अच्छा, व्हाट आई डू इज मैं आंसर लिखती रहूंगी एज वी मूव अहेड ना, जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी मैं वहां पे आंसर भी लिखना स्टार्ट करूंगी. ठीक है अभिषेक, आई एम सो सॉरी गाइज, प्लीज डू नॉट माइंड इफ आई एम लिटरली फॉरगेटिंग आउट ऑन समवन्स नेम. एंड अभिषेक, आपका मेरे पास ना आंसर का कॉमेंट नहीं आया लास्ट क्वेश्चन का, इसलिए आई कुड नॉट. सो वी हैव प्रशांत, डीजे, नो प्रशांत मैं करेक्ट बता रही हूँ जिन लोगों ने करेक्ट आंसर करा है. DJ has answered it correctly. Ravikant has answered it correctly. Chirag has answered it correctly. Bandana has answered correctly. Abhishek has answered correctly. Mayank, Deep, user ID J00 has answered correctly. Amey, Deepak and Indranil, Indrani and Suryakant. इन लोगों ने correct answer करा है. Correct option है D, the Red Crescent Society. ठीक है? So D is the correct answer. So Red Crescent Society जो है, जो कि एक worldwide humanitarian organization है, उसने assistance provide करी थी without discrimination किसी भी nationality को, race, religious beliefs, class or political opinions, and it was the one that provided medical help to the Turkish troops in the Balkan War. Sudhir and Saurabh absolutely correct. D is the correct answer. Absolutely right, Mohit. यहाँ तक कि सबके doubt, query, questions clear? Anything? Yes, no? Quickly, quickly tell me. Perfect, perfect. Moving ahead to the next question. So the next question reads, arrange radio, television, films and print media in this sequence of arrival in India. मतलब आपको first to last arrange करना है. ये बताना है सबसे पहले India में क्या आया, सबसे आखिरी में कौन सा आया amongst radio, television, films and print media. I think this is a fairly decent answer. थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो इसको answer कर पाओगे. And absolutely right, Mayank. Balkan War in the early 20th century and perfect, perfect. ठीक है? चलो क्विकली क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन. यस राधिका, व्हाट्स योर डाउट? वी ऑलरेडी हैव आंसर्स कमिंग. प्रशांत हैज आंसर्ड सी. ओके प्रशांत, आई कैन ऑलरेडी सी योर कमेंट. अभिषेक ने आंसर करा है सी, मयंक ने आंसर करा है सी, वंदना ने सी, डीजे ने सी, अनुराग सी, चिराग सी, मोहित सी, दिव्या सी, एवरीवन हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन सी. नॉट अ सिंगल करेक्ट ऑप्शन सी. सब सी वाले हैं यहाँ पे. कम ऑन गाइस, थोड़ा सा एनीवन. This everyone has answered. See, correct option है इसका B. ठीक है, B is the correct option. Print media आया, फिर films आए, फिर radio, फिर television. ठीक है, not a single B. सबने C और D को answer करे. We have even A's coming up. Just one, Rama has answered B correctly. Perfect, Rama. So print media आया था India में, जो कि Portuguese लेकर आए थे mid 16th century में. ठीक है, फर्स्ट फिल्म थी इंडिया की राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई, फर्स्ट रेडियो आया 1927, फर्स्ट टेलीविजन 1950. क्लियर? इसमें किसी का डाउट, मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन? दीप ने बी आंसर करा, रमा ने बी, दो लोगों ने बी आंसर करा है, बाकी सब ने ए सी डी करा है. क्लियर हो गया सबका? द इयर्स हैव बीन मेंशनड, इसीलिए अब याद रखना, डू नॉट फॉरगेट इट. ओके परफेक्ट परफेक्ट. चलो ऑन दैट नोट नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is considered to be the first finance minister in British India, who also founded the Economist magazine and the Standard Chartered Bank? So let's see how many of you answer this correctly. We have James Wilson, Alexander Hamilton, Henry Bailey and Thomas Wise. Inme se kaun se the India ke pehle finance minister, British India ke? Mayank, kis? I am really not sure about the director Harishchandra ke, who was the director of Raja Harishchandra. Like really no clue. ठीक है, so we have Sangam, Vittu, DJ, Pooja, Rama who have answered B. So sorry, Vittu ने D answer करा है, बाकी सब ने B answer करा है. Rituraj has answered A. Abhishek, Saurabh, Amey, Ashwini, Vandana all have answered B. Absolutely right guys. So sorry, A वाले कौन है पहले वो बताओ. दो लोग हैं A वाले, we have Anurag and one more person who's only one has answered A. Alisha ने भी C answer करा है, सब लोगों ने गेस करा हुआ इसमें. ओके सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज ए. ओके, जेम्स विल्सन थे, हु वाज अ रेनाउंड स्कॉटिश बिजनेसमैन. ही फाउंडेड द चार्टर्ड बैंक, जो कि बाद में स्टैंडर्ड बैंक के साथ 1969 में मर्ज हो गया. एंड ही क्रिएटेड द फर्स्ट बजट इन द ईयर 1860 और इकोनॉमिस्ट वीकली को भी फाउंड किया. सो इट वॉज जेम्स विल्सन. ओके क्लियर. सो इंद्राणी, सुखवीर एंड आई थिंक अनुराग, इन तीन लोगों ने ए आंसर करा है.
बाकी सब लोगों ने बी आंसर करा है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन. हाँ ऋतुराज का भी ये था. सो सॉरी सो सॉरी. प्लीज बुरा मत माना करो इफ आई फॉरगेट एनी ऑफ योर नेम, बिकॉज कंटिन्यूअसली बहुत सारे नाम आते हैं तो कई बार वो ऊपर चला जाता है. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू स्क्रॉल थ्रू ऑल द नेम्स, आई एम रीडिंग आउट द करेक्ट आंसर जिस जिसने दिया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आउट ऑफ द गिवन टू स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है. दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से करो देन आंसर. जेम्स विल्सन, उसके लिए आई एम रियली नॉट श्योर दीदी कि वेदर ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आरबीआई नॉट. ही माइट बी, आई एम रियली नॉट श्योर, ही माइट बी. ठीक है, सो वी हैव ऑल. ओके अच्छा, दैट कुड बी द केस डीजे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, मैं इसलिए उस पर कॉमेंट नहीं कर रही. सो वी हैव संगम हुज आंसर सी, दीपक हैज आंसर सी, अनुराग हैज आंसर बी, मयंक हैज आंसर ए, राधिका हैज आंसर बी, दीप हैज आंसर बी, वंदना हैज आंसर बी, डीजे अलीशा हैज आंसर बी, अभिषेक को डी और बी में डाउट है, दीपक हैज आंसर बी, इंद्रानी बी, अनुषा बी, निकिता दिव्या हैव आंसर सी, यूपीएससी बाय वीके हैज बी, सौभाग्य लक्ष्मी बी, सुखवीर बी. एब्सोल्युटली परफेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओनली टू. सेकंड स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट है इसमें. इन द रियोतवारी सिस्टम द गवर्नमेंट रिटेन्स द राइट टू एनहांस द लैंड रेवेन्यू एट विल. ठीक है, नाउ सेकंड ऑप्शन, एज द रियोतवारी सिस्टम पे पेजेंट्स थे, दे वर मेड द प्रोपराइटर्स, पहला चीज. दूसरा चीज, द रियोतवारी सिस्टम अलाउड द स्टेट टू डील डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर, दैट इज अ रायॉट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन. करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, ओनली टू इज करेक्ट. सो अ मेजोरिटी ऑफ यू गाइज आंसर बी. वी हैव प्रशांत, सुमित एंड मोहित ऑल्सो हु आंसर बी. ओके क्लियर हो गया गाइज यहाँ तक? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, एनीथिंग? यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर सबको? परफेक्ट परफेक्ट. चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार इन 1822? सो वी हैव लाला जगत नारायण, राजा राम मोहन रॉय, जेम्स ऑगस्टस हिकी और फरदून जी मर्जबान. आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस, बॉम्बे समाचार जो न्यूज़पेपर था किसने पब्लिश करा 1822 में, जल्दी से बताइए, क्विकली क्विकली. परफेक्ट परफेक्ट, जल्दी से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव इंद्राणी हुज आंसर ए, अनुराग डी, दीपक ए, अलीशा ए, वंदना ए. ओके, सुखवीर हैज आंसर डी, संगम हैज आंसर बी, ऋतुराज हैज आंसर ए, अविनाश हैज आंसर डी, बिट्टू हैज आंसर ए, प्रशांत हैज आंसर डी. एब्सोल्यूटली राइट फॉर ऑल दोस पीपल हु आंसर डी. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, फरदून जी मर्जबान जो थे. तो फरदून जी मर्जबान जो थे उन्होंने इस पेपर को गुजराती और इंग्लिश में पब्लिश करा था, एंड इट वॉज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली पब्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया. एब्सोल्यूटली राइट अभिषेक, निकिता, मोहित, दीपक, सौभाग्य लक्ष्मी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस. ठीक है, इंडिया का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली पब्लिशिंग न्यूज पेपर है द बॉम्बे समाचार, विच वॉज स्टार्टेड बाय फरदून जी मर्जबान, एंड गुजराती और इंग्लिश में प्रिंट होता है 1822 में. ठीक है, चलो ऑन दैट नोट नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, स्वदेशी और बॉयकॉट वर्ड कैसे डिफरेंट है? ये सेम मतलब है इनका या अलग अलग मतलब है, क्या मतलब है वो बताओ. तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको करेक्ट कोड गेस करना है. एब्सोल्यूटली राइट अनुषा फॉर द लास्ट क्वेश्चन, बी वॉज द करेक्ट ऑप्शन. हाँ फरदून जी मर्जबान, एब्सोल्यूटली राइट आकाश. क्विकली क्विकली नाउ आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया, हाउ द वर्ड स्वदेशी इज डिफरेंट फ्रॉम बॉयकॉट? एब्सोल्यूटली राइट दीप, ही वॉज अ पारसी, ही वॉज अ पारसी जेंटलमैन. ही वॉज अभिषेक 1822 में पब्लिश करते थे, सो नाउ लाइक ही इज रेस्टिंग इन पीस. सो वी हैव वंदना हु हैज आंसर्ड सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग हु हैज आंसर्ड सी. ओके लेट्स सी हु एल्स आंसर्स क्विकली क्विकली. मोहित हैज आंसर्ड बी. ओके सो वी गॉट वन बी, बाकी सारे सी आ रहे हैं. ऋतुराज का गेस है डी, अदर देन मोहित तेरा नो बी, सब लोग सी की तरफ ही जा रहे हैं. अलीशा इज बी. ओके टू बीस. सो गाइस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज बी, ओनली टू. ठीक है, अमंग्स द गिवन स्टेटमेंट से टू करेक्ट है. वी हैव प्रशांत एंड सुधीर ऑल्सो हु हैव आंसर्ड बी, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. फोर पीपल हु हैव आंसर्ड बी,
देन हर्षदा हैज आंसर्ड बी, बाकी सबने ए सी डी करा हुआ है. सो जो स्वदेशी मूवमेंट है, दैट वाज अ पॉजिटिव कोरोलरी ऑफ द बॉयकॉट मूवमेंट. जो जिन लोगों ने स्वदेशी और बॉयकॉट को अपनाया था, दोनों आप बोल सकते हो दे वर सेम साइड्स, लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ठीक है, बॉयकॉट था बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स, ठीक है, पहला चीज. और जो बॉयकॉट था वो एक नेगेटिव प्रोग्राम था. किस तरीके से? क्योंकि आप किसी चीज को बॉयकॉट कर रहे हो, इसीलिए. क्यों स्वदेशी को पॉजिटिव कॉरोलरी बोला जाता है? आपने बॉयकॉट तो करा, बट आपने यहाँ पे स्वदेशी में एंकरेज करा कि आप नेटिव प्रोडक्ट्स को यूज करो फॉरेन गुड्स की जगह. बॉयकॉट में आप सिर्फ बोलते थे कि फॉरेन गुड्स को हटाओ, उनको जलाओ, उनको हम यूज नहीं करेंगे. बट स्वदेशी में आप बोलते थे हम फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे, इन रिटर्न ऑफ दैट हम नेटिव प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे. तो जो भी बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट थे, जितने भी क्लासेस थे इंडियन सोसाइटी के, स्पेशली द बंगाल के जितने भी लोग थे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आए थे फॉर द नेशनल कॉज. एब्सोल्युटली खादी प्रोडक्शन यहीं पे हुआ था. एब्सोल्युटली राइट अभिनव, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. एब्सोल्युटली राइट अनुषा, बी. ठीक है, पॉजिटिव कोरोलरी का मतलब होता है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है. अभिषेक, जैसे बॉयकॉट में आपने बोला ब्रिटिश गुड्स हम नहीं लेकर आएंगे, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी इनजस्टिस हो रहा है बंगाल में, उसके अगेंस्ट हम अपनी वॉइस रेज करेंगे, वेल एंड गुड. बट स्वदेशी में ये बोला गया आपको बॉयकॉट तो करना है, आप करो, आपको नहीं यूज करना फॉरेन प्रोडक्ट, आप मत यूज करो, बट आप उसके साथ साथ नेटिव प्रोडक्ट्स को एंकरेज करो. जैसे खादी को चरखा करो, आप खादी को यूज करो, खादी क्लॉथ्स जो इंडियन गुड्स हैं वो यूज करो. ठीक है, समझ आया? क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, एनीवन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? परफेक्ट, परफेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following reforms was carried out by Lord Harding one? इनमें से कौन सा रिफॉर्म था जो लॉर्ड हार्डिंग वन ने कैरी करा था? क्विकली आंसर. फोर ऑप्शन, फोर स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड कोड्स. दिस इज वन वेरी प्रिटी गुड पोल. सो वी हैव लाइक वेरीड आंसर्स कमिंग फॉर दिस वन. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक आर द कॉमेंट्स फ्रॉम डीजे. ओके, डीजे से स्टार्ट करते हैं. ही इज आंसर सी, पंद्रह ने स्किप करा. संगम सी, अनुराग बी, निकिता डी, सुखवीर सी. अच्छा गाइस, कैन यू रिफ्रेश इट वंस? एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लो. इज इट विजिबल नाउ? अभिनव इज आंसर सी, हर्षदा ए, अलीशा सी, इंद्रानी ए, अभिषेक का है स्किप और गोइंग विद बी. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज लॉर्ड हार्डिंग ने जो रिफॉर्म्स लेकर आए थे, इट इज डी. ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट इसमें. ठीक है, ही टुक इनिशिएटिव फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, एनकरेज फ्री ट्रेड, रिड्यूस द सॉल्ट ड्यूटी एंड मेनी ऑक्ट्रॉयड ड्यूटीज. ठीक है, ऑक्ट्रॉयड ड्यूटीज होती थी जो भी अंग्रेजी सरकार ने लगाई थी ड्यूटीज. तो डी इज द करेक्ट वन. ऑल ऑफ द फोर आर करेक्ट. ठीक है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करा, सॉल्ट ड्यूटी को और जितनी भी ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज थी उनको एंकरेज करा और फ्री ट्रेड को फॉरवर्ड करा. ही स्टॉप द ह्यूमन सैक्रिफाइस जो कि गोंड ट्राइब उड़ीसा में प्रैक्टिस करता था. तो डी इज द क्लियर वन करेक्ट ऑप्शन, विच शुभम हैज आंसर्ड एंड अनुषा हैज आंसर्ड अमंगस्ट अदर्स. मोहित हैज आंसर्ड डी एंड आई थिंक दैट्स इट. बाकी सब लोगों ने ए या सी मार्क करा. ही वॉज अ प्रीटी डिसेंट मैन. लॉर्ड हार्डिंग डिड अ गुड जॉब. लॉर्ड हार्डिंग थे ऐसे, लॉर्ड रिपन थे, दे हैव एक्चुअली वर्क सेल्फलेसली टुवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट एंड सिस्टम. ठीक है, अविनाश इज ऑल्सो आंसर डी, परफेक्ट. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग्स द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी? हेलो अभी, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे इनमें से कौन सा इवेंट हुआ? सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, वुड्स डिस्पैच, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब या सांथल रिबेलियन? विच ऑफ द फॉलोइंग टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज टेन्योर? क्विकली क्विकली टेल. लिटन एंड कर्जन वर द वंस जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा मतलब इंग्लिश पार्ट में बिलीव करते थे, स्पेसिफिकली कर्जन. बहुत ज्यादा उनकी जो पॉलिसी रहती थी दैट वाज कि इंडियंस को किस तरीके से दबा के रख सकते हैं, उनपे किस तरीके से हार्श हो सकते हैं. सो वी हैव अनुषा. अनुषा हैज आंसर्ड सी.
अभी हैज आंसर डी, दीप हैज आंसर डी, संगम हैज आंसर डी, प्रशांत एंड शुभम हैव आंसर सी, वंदना हैज आंसर डी, संगम हैज आंसर डी. एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, डी इज द करेक्ट वन. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. अभिषेक, ऋतुराज एंड अलीशा देव आंसर डी. ऑल ऑफ द अबव. सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, वुड्स डिस्पैच, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, संथल रिबेलियन, सब कुछ. सुखवीर हैज ऑल्सो आंसर डी. इंद्रानी, दीपक, अभिनव, अनुराग, सबने डी आंसर करा है. परफेक्टली फाइन. लॉर्ड डलहौजी का जो गवर्नर जनरलशिप था 1848 में स्टार्ट हुआ था, 56 में एंड हुआ था. इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे और उनके टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ, वुड्स डिस्पैच आया और संथल रिबेलियन हुआ. सो ऑल ऑफ द अबव. एब्सोल्यूटली राइट अनुराग, सौभाग्य एंड अविनाश, डी इज द करेक्ट वन. हाँ, वुड्स डिस्पैच वॉज 1854 ना, वही तो लिखा है मैंने शुभम. और लॉर्ड डलहौजी 56 तक रहे थे. ठीक है, आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक. ऑल क्वेश्चंस क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्विकली क्विकली टेल मी. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर भी यही आए थे, लॉर्ड डलहौजी ही लेकर आए थे. टेलीग्राफ एंड इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विसेज आई थिंक इन्हीं के टाइम, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आया था. एब्सोल्यूटली राइट मैम, एब्सोल्यूटली राइट. परफेक्ट गाइज. सो दिस वॉज द सेट ऑफ क्वेश्चन आई हैड फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हो गए हैं. मूविंग अहेड, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन. ठीक है, डेट्स आई नो. सो डेट्स वाला थोड़ा सा एक बार वो पढ़ लो, दैट इज समथिंग दैट यू कैन डिसिपल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से. न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी इनिशिएटेड इन इंडिया ओनली इफ द फॉलोइंग मेक्स अ रिकमेंडेशन. एब्सोल्यूटली राइट, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया अनुराग. परफेक्टली फाइन. गाइस वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द पॉलिटी क्लासेस. ठीक है, ये गड़बड़ मत करना. ठीक है, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मैंने पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाया है. सो वी हैव ओवर एक्साइटेड आंसर्स कमिंग. मयंक इज आंसर बी, सो मेनी बीज. अनुराग इज आंसर बी, शुभम इज आंसर बी. वी हैव प्रशांत, मोहित, अनुराग, नील, अनुषा, दीप, वंदना, अलीशा, प्रशांत, एवरी वन इज आंसर बी. एब्सोल्यूटली गाइज, परफेक्टली. आई थिंक दिस इज 100% पोल क्वेश्चन. राज्यसभा, सो राज्यसभा का ये स्पेशल पार होता है. एंड एब्सोल्यूटली राइट मयंक, इट्स आर्टिकल 312. सो दिस इज द स्पेशल पार, ये थोड़ा लेवरेज जो राज्यसभा का होता है ओवर लोकसभा, किस तरीके से वो इनिशिएट कर सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज. सो वी हैव अर्पित, प्रशांत, हु हैव आंसर्ड बी, सुखवीर इज ऑल्सो आंसर्ड बी. ठीक है, सौभाग्य लक्ष्मी इज ऑल्सो आंसर्ड बी. आई थिंक अभिषेक इज ऑल्सो आंसर्ड बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन हिज नेम. परफेक्टली फाइन. सो एज पर आर्टिकल 312 ये बोला गया है कि जो भी ऑल इंडिया, कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज है, दैट कैन ओनली बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द राज्यसभा. एब्सोल्यूटली परफेक्टली फाइन. नॉट 100% पोल ऋतुराज. कुछ लोग ए वाले भी हैं, ए और सी वाले भी हैं. वी हैव अ फ्यू ए एंड सीज, बट दैट्स ओके, डिसेंट इनफ. आई वुड गो विद लाइक 90%. सो करेक्ट ऑप्शन है गाइस इसका राज्यसभा, विच इज बी. ठीक है, सो रफली ऑलमोस्ट 85 to 90% इफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली. सो किडोस ऑन दिस वन, गुड वन. Himanshu has also answered B. Moving ahead to the next question. Which of the following provisions of the Constitution did not come into force on 26 November 1949? Okay. So, I know you also answered so many Bs. You and I think there was one more, Anurag. Do logon ne bahut sare Bs answer kare the. Okay. Absolutely right. Abhinav, Himanshu and Raki, pichle question ka B correct. Ab ye wala batao. इनमें से कौन सा प्रोविजन 1949 26 नवंबर को एनफोर्स नहीं हुआ था, बाद में जाके हुआ था एनफोर्स. ठीक है, सो वी हैव पूजा हु हैज आंसर्ड बी. ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली. सुखवीर हैज आंसर्ड बी, ऑल राइट. अनुषा हैज आंसर्ड बी, सुमित हैज आंसर्ड सी. सो आई हैव गॉटन जस्ट वन करेक्ट ऑप्शन अभी तक, दैट इज ऑफ सुमित. एब्सोल्यूटली राइट बॉडी, करेक्ट ऑप्शन है सी, इट्स फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल दो 26 नवंबर 1950 को एनफोर्स हुआ था, कुछ प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे, जिसमें 5, 6, 8, 9, 60, 30, 324, 366, 372 ये सब 1949 को आए थे. गाइस डेट देखो, 1949 बोली गई है. ठीक है, 50 नहीं बोला गया है. So these were the ones which did not come into force in 1949. Fundamental right 1950 mein aaya tha. The constitution came into effect. ठीक है, clear? 1950 mein baaki sare provisions aa gaye the. Kuch kuch provisions hum pehle le aaye the. Ab clear ho gaya? Anurag, absolutely right. Sabhagya Lakshmi, iska C tha correct option. I think Prashant has also answered it C. यहाँ तक सबका clear ना? Perfect, perfect. चलो, moving ahead to the next question.
The President of India appoints the chairman and members of the National Human Rights Commission on whose recommendation? This is a very easy question, यार. मैंने एफआर बोला था क्लास में, 1950 में आए थे, ये तो बोला था मैंने. एफआर 1950 में आए थे. क्वेश्चन था 1949 में कौन सा आया था, 26 नवंबर 1949 को कौन सा आया था. ठीक है. अच्छा अभी अब अभी तो एट प्रेजेंट आई कैन नॉट शिफ्ट दिस क्लास ऑन दी ऐप. मैं 9 PM वाला क्लास ऐप पे ले लूंगी. प्लीज बेयर विद मी फॉर अनदर लाइक हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स. वी विल बी क्विकली थ्रू विद इट. इट्स ऑलरेडी द थर्ड क्वेश्चन वी आर हियर एट. ठीक है. सो इसमें वी हैव द ऑप्शंस कमिंग एट. मयंक ने डी आंसर करा, मोहित ने डी, नील हैज आंसर डी, ऋतुराज डी, प्रशांत डी, अभिषेक डी. एब्सोल्युटली राइट, ये तो पढ़ाया है मैंने. कम ऑन गाइस. और डिस्कस भी करा था, मैंने बोला था एनएचआरसी हम डिस्कस भी करेंगे. सो इट्स डी ऑल ऑफ द अबव. तो चेयरमैन एंड मेंबर्स जो हैं एनएचआरसी के वो कैसे आते हैं. प्रेसिडेंट एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के मेंबर्स कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन उसके, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अ पार्ट, होम मिनिस्टर, लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन होते हैं जो कि लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सारे मेंबर्स होते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी राखी, अर्पित, दीपक, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, एनीथिंग? I can understand my answer. Another like 40 minutes. Just bear with me for another 30, 40 minutes. We'll quickly wind this up. Next class would be on an academy app, I promise. ठीक है? चलो, moving ahead to the next part. Absolutely, NHRC amendment भी आया 9th 2019 में. Except former CGI, anyone can be. ठीक है? And tenure is I think 65 years of age or 5 years, whichever you get first. जो उनसे भी पहले आता है. ठीक है? Just check 65 है या 62. I'm a little confused on the age part. Just check that once. Absolutely right, Himanshu and Sabhagya. Lakshmi, D is the correct option. ठीक है? Well, Anurag, that I'll take as a compliment because that's a good thing. Because अगर मैं आसान दे दूंगी फिर point नहीं हुआ इन classes का. 65 plus 5 ना? ठीक है, ठीक है. 65 years और 5, whichever you attain first. Absolutely right, Pooja. D was the correct option. चलो, next question. The power to create or abolish legislative council in a state is vested with which of the following? I know, मुझे भी I can understand that, Abhishek. And 62 is for judges only. अब वो भी I think high court के, supreme court judges है 65, वो तो कल ही मैंने बताया है. ठीक है. चलो, क्विकली आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें से कौन सा अबॉलिश या क्रिएट, लाइक हु कैन क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स. ये सॉरी और होना चाहिए, वो ऑफ हो गया मेरे से गलती से. इट्स आर. ये तो आसान है गाइस. अनुराग हैज आंसर ए, नील हैज आंसर डी, डीजे. कम ऑन गाइस, ऐसे नहीं करो. आसान क्वेश्चन है, वी हैव डिस्कस्ड इन द 500 सीरीज. एब्सोल्युटली राइट अभिषेक, एब्सोल्युटली राइट अलिशा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट ही किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश या क्रिएट कर सकती है. परफेक्टली फाइन, सी इज द करेक्ट वन. दो ही लोगों ने अभी तक सी करा है. ठीक है. लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कैन मेक रिकमेंडेशन एंड पार्लियामेंट मेक्स द नेसेसरी लॉज फॉर इट. तो बिना रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ये पॉसिबल ही नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन सी है. एब्सोल्युटली राइट सुधीर, अभिषेक, इंद्रानी एंड देर वॉज वन मोर जिन्होंने अलिशा. सी इज द करेक्ट वन. क्लियर हो गया ये क्यों प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कुछ नहीं होगा. एब्सोल्युटली राइट सौभाग्य, लक्ष्मी एंड सुमित, सी इज द करेक्ट वन. यहां तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर? एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? आर्टिकल 169, एब्सोल्युटली राइट मयंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू. मैंने पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ाया है वाइस प्रेसिडेंट, ये गड़बड़ मत करके आना. एब्सोल्युटली राइट अभिषेक, आर्टिकल 169. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो. जब वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं इनमें से क्या होता है? एंड आई थिंक वन ऑफ यू गाइज आस्क दिस क्वेश्चन. अभी मैंने ये ऑप्शन दिए हैं, हमने बहुत डिटेल में इस पे डिस्कशन किया था, मैंने समझाया भी था. दैट इज वाई आई एक्सप्लिसिटली रिमेम्बर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो वी हैव ए. सीरियसली मयंक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो प्लीज. मोहित एब्सोल्युटली राइट, अभिनव एब्सोल्युटली राइट, यप, एब्सोल्युटली राइट. सो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी. ही सीजेस टू बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए मैंने क्या बताया था, एक चीज बोली थी, ही वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसीलिए वो राज्यसभा के चेयरमैन है. अब अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गए तो वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे. ही कैन नॉट रिमेन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड परफॉर्म द ड्यूटीज. वन इज रॉन्ग. ठीक है. लोकसभा का स्पीकर राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी नहीं करता, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को वहां पे प्रमोट कर दिया जाता है. इसका ऑप्शन करेक्ट है सी.
He or she ceases to be the chairman of Rajya Sabha. Abhishek, you were in that class. B correct option है. क्या कर रहे हो? Absolutely. Deputy chairman आ जाएंगे. तो जो vice president अगर president बन जाते हैं, he is no longer chairman of Rajya Sabha. Absolutely correct, Shubham. B is the correct one. Sudhir, absolutely right. B is the correct one. Prashant, Indrani, B is the correct one. सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन एनी वन हैज टिल दिस पॉइंट? यस टू एनीथिंग गाइज? परफेक्ट परफेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? इसमें से कौन से की वजह से डी क्यों सही होगा? डी तो नन ऑफ द अबव है ना, वो क्यों सही होगा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कर दिया गया है कि एक्स वाई जेड पर्सन को एक्स्ट्रा पावर दे दी जाएगी. ठीक है, ओके. सीजस का मतलब ही स्टॉप्स बीइंग द राज्यसभा एमपी. सीजस का ये मतलब होता है अभिषेक कि वो अब नो लॉन्गर राज्यसभा चेयरमैन नहीं रहेंगे. ही विल नो लॉन्गर बी राज्यसभा चेयरमैन. सो सॉरी, दीप हैज आंसर सी फॉर दिस क्वेश्चन. एब्सोल्युटली राइट पाडी, एब्सोल्युटली राइट. बाकी हेलो राम कुमार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास. पूजा ने आंसर करा है बी, मयंक ने आंसर करा है ए. करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. गाइस, वी हैव डिस्कस्ड दिस. मॉडर्न इंडिया में भी करा है, पॉलिटी में भी मैंने पढ़ाया है. एब्सोल्युटली राइट सुखवीर, दिव्या, अनुषा. ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है इसका. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी जो है 1935 के एक्ट के थ्रू आई थी. एब्सोल्युटली राइट मोहित, इंद्रानी, अभिनव, पूजा, सुमित. जहां पे ये बोला गया जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है प्रोविंसेस की वो गवर्नर्स के हाथ में जाएगी और सेंटर की गवर्नर जनरल के पास जाने वाली है. करेक्ट ऑप्शन सी है फॉर सौभाग्य, प्रशांत, अलीशा, सुमित, दीपक, ज्योति, राहुल, शुभम, एवरीवन. सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के किसी एक्ट के थ्रू एज ऑफ नाउ उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में जो हमारा जीओआई 1935 आया उसके तहत जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है प्रोविंसेस की वो गवर्नर्स के पास, मतलब गवर्नर्स कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं अपने अपने प्रोविंस में और गवर्नर जनरल पूरे इंडिया पे ऑटोक्रेटिकली रूल कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, रेसिड्यूअल पावर्स जो थी वो गवर्नर जनरल के पास जाएंगे. एब्सोल्युटली राइट शुभम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following categories of persons became citizen of India at its commencement on January 1950? 26 जनवरी 1950 को इनमें से कौन सा हिंदुस्तान का सिटीजन बन गया था? दिस वन वाज अ 99%. ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस. इनमें से कौन सा हिंदुस्तान का सिटीजन बना था 26 जनवरी 1950 को? पॉइंट बाय पॉइंट फ्रॉम लक्ष्मीकांत वी डिस्कस सिटीजनशिप वाले चैप्टर में. क्विकली क्विकली, दैट्स इनफ हिंट दैट आई हैव गिवन यू. So we already have answers coming for this one. DJ Banda, Divya, Abhishek, Amay, Prashant, Sukhveer, Parhanaz, Anurag, Indrani, Sumit, so sorry, Rahul, Harshada, Shailendra, Sudhir, Rituraj. Everyone has answered it perfectly fine, guys. D is the correct option. All of the above in this one. Persons domiciled in India, persons migrated from Pakistan, persons migrated from Pakistan but who later returned, and persons of Indian origin residing outside India. ये चार कैटेगरी थी जिन लोगों को 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मिल गई थी. एब्सोल्यूटली राइट हर्ष, अभिनव, दीपक, शुभम, अनुषा. डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट इन दिस वन. ठीक है, थर्ड वाला, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान चले गए बट फिर इंडिया में वापस आ गए. तो पार्टीशन हुआ था 1947 में दीप. ठीक है, ये प्रोविजन रखा गया था कि पाकिस्तान तो चले गए हैं बट आई थिंक बाय मार्च 1948 और जुलाई 1948 हिंदुस्तान वापस आ गए हैं. ठीक है, क्लियर हो गया? यस नो एनीथिंग? परफेक्ट परफेक्ट. अभी भी 100% नहीं हुआ. वी हैव पीपल हु आंसर बी इन दिस वन आल्सो. एक है अनुषा ने बी आंसर करा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये तो आना चाहिए बट लेटर इंडिया में वापस आ गए ना. एक बार पाकिस्तान चले गए थे डिवीजन पार्टीशन के टाइम, फिर वापस हिंदुस्तान ही वापस आ गए तो उनको भी इंडियन सिटीजनशिप दी गई है. ठीक है, मयंक हैज आंसर ए, सो मेनी एज, ही सो एक्साइटेड. अनुराग हैज आंसर ए, यूजर आईडी रूफ गार्डनिंग हैज आंसर ए, अभिनव, फरहानाज ए, वंदना ए. परफेक्टली करेक्ट. दे आर गाइज नॉट अ फीचर पूछा है. आई एम सो ग्लैड सही आंसर कर रहे हो. दे आर नॉट जस्टिशियबल इन नेचर. एब्सोल्युटली राइट अभिषेक, डीजे, अभिनव, रजत,
वंदना एवरीवन ए परफेक्ट गाइस. डी इज द ए इज द करेक्ट वन ऑन दिस वन. अच्छा एंड रजत बस एक मिनट दे दो, लेट मी वाइंड दिस क्वेश्चन अप, फिर मैं पिछला वाला देखूंगी. मे बी थोड़ा सा एडजेक्टिव मेरे. अच्छा सो सॉरी माय बैड. मे बी थोड़ा सा वो प्रिपोजिशन का एरर हो गया हो. हु वेंट टू पाकिस्तान बट हु रिटर्न बैक टू इंडिया. ठीक है वो होगा. आई होप वो क्लियर हो गया हो. दैट वॉज द ओनली आई थिंक गड़बड़ दैट आई हैड डन. आई होप वो वाला क्लियर हो गया. रजत रूट गार्डनिंग एंड दीप पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान पहले पार्टीशन के टाइम बट दे केम बैक टू इंडिया. ठीक है एंड दिस इज अ 100% पोल. आई गिव इट टू यू अभिषेक. एब्सोल्युटली राइट. डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर. दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायोलेशन एंड कैन नॉट बी द कोर्ट्स द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम. परफेक्टली फाइन. यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर. डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन एनी वन हू हैज टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड मयंक उसका आर्टिकल 7 है जो आप सोच रहे हो सिटीजनशिप वाला. एब्सोल्युटली फाइन. यहाँ तक सबका क्लियर. यहाँ तक किसी का कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन. प्रीवियस अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी क्लियर हुआ ना सबका. परफेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग्स द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन चारों में से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा फीचर है. ध्यान से पढ़ना. मैंने प्रेसिडेंट वर्सेस पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेबल फॉर्म में बताया है. प्लीज आंसर इट करेक्टली. आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन साइडेड पोल. आई एम हैप्पी विद दिस वन ऑल्सो. फाइनली आई नो किसी एक सेशन में 100% पोल आ गया. सो वी हैव अभिषेक सी, ऋतुराज सी, अनुषा सी, पूजा सी, अलीशा डीजे, सुखबीर, अनुराग, फरहानाज सी, अनुषा सी, इंद्राणी सी, दीपक, मयंक, राहुल, शुभम सी. एब्सोल्युटली राइट. 1, 2, 3 इसमें करेक्ट है. मैंने तब भी बताया था जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है सॉरी वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. पार्लियामेंट्री फॉर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है सो द फीचर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है इट डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट. हमेशा याद रखना. इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म हमेशा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी. ठीक है हमेशा. क्लियर. डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन इसमें किसी को डाउट तो नहीं है. एब्सोल्युटली राइट हर्ष एंड सुधीर. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ये वाला तो आई एम श्योर तभी बहुत सारे लोगों का सही भी आया है. ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. परफेक्ट परफेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिस्टम इज यूज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ये तो गलत नहीं होना चाहिए. आई नो दैट हैपेंस तभी. दैट इज वाई आई प्रेफर टू टेक द संडे सेशन ओवर हियर ताकि वी कैन एक्चुअली नो कि किसका प्रेपरेशन कैसा चल रहा है. हाँ सी तो बोला. सो सॉरी मैम वो शिफ्ट हो गया वो गलती से. सो सॉरी. प्लीज गाइज दिस इज वेरी इजी. ये गलत मत करना. सिस्टम ऑफ कौन सा सिस्टम यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. सो वी हैव मयंक हुज आंसर ए वेरी एक्साइटेडली. अनुराग हुज आंसर ए. पूजा हैज आंसर ए. फरहा मोहित ग्रूव गार्डनिंग हैज आंसर्ड वेरी एक्साइटेडली ए. राहुल अभिषेक इंद्राणी सेजल प्रशांत दीप लवलीन ए. मयंक ए. डीजे अलीशा अमय शुभम सुखवीर सेजल सुपर एक्साइटेडली ए. ऋतुराज ए. दिव्या मिश्रा हर्षिता सुधीर देवजीत. एब्सोल्यूटली परफेक्ट गाइज. द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. हर्ष अभिनव एंड अनुषा ऑल्सो ए. ए इज द करेक्ट वन. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेम ही मैनर में इलेक्ट होते हैं जो हम बोल सकते हैं एक सीक्रेट बाले होता है. ठीक है. इलेक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. एब्सोल्यूटली करेक्ट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. रोशन सौभाग्य दीपक ए इज द करेक्ट वन. परफेक्ट. यहाँ तक ले. सो दिस वॉज द अनदर 10 सेट ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैड फॉर इंडियन पॉलिटी. ठीक है
दैट इज ट्रू एंड आई डू दैट. चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेट. अब अगले जो 10 सेट है तो इंडियन पॉलिटी के यही 10 क्वेश्चंस थे मेरे पास. अगले 10 क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, ठीक है. सो आई थिंक वी विल बी एबल टू वाइंड इट अप इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स. चलो, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्प्रेड्स फ्रॉम सासाराम एंड रोहतास इन वेस्ट बिहार टू चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान. एंड एब्सोल्युटली राइट, रूफ गार्डनिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड. मैंने टैबुलर फॉर्म में अलग अलग करके समझाया था किसका कौन सा आता है. सो वी हैव आंसर्स कमिंग फॉर दिस क्वेश्चन. अनुराग हैज आंसर्ड ए. ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड, आई अग्री विद यू, अभिनव, स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस. क्विकली क्विकली, मयंक हैज आंसर्ड ए वेरी एक्साइटेडली. अमय हैज आंसर्ड ए. अनुषा हैज आंसर्ड ए. गाइस ऑप्शंस पढ़ तो लिया करो, इतना एक्साइटेड हो जाते हो. सिर्फ चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान क्यों देख रहे हो? फर्स्ट पार्ट भी तो देखो, शुरू कहां से होते हैं? सासाराम से, और रोहतास वेस्टर्न बिहार से शुरू होते हैं, वो भी तो देखो. सो वी हैव देवजीत हुज आंसर बी अलीशा, अभिषेक हुज आंसर बी दीप, हैज आंसर बी अभिनव वेरी एक्साइटेडली, हैज आंसर बी ऋतुराज, हैज आंसर बी पूजा डीजे, मोहित हैव आंसर बी. एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स बी द विंध्यन सिस्टम, ठीक है. मयंक हैज आंसर बी, पूजा हैज आंसर बी, दिव्या हैज आंसर बी, हर्षिता हैज आंसर बी. सो विंध्यन सिस्टम जो है फ्रॉम सासाराम, ठीक है, एंड रोहतास इन वेस्टर्न बिहार टू चित्तौड़गढ़, वहां तक स्ट्रेच करता है. द रॉक्स केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर द क्यूडप्पा रॉक्स, और ये मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन से बने हुए होते हैं. सो वी हैव शुभम, प्रशांत हु आंसर बी एंड ओके. मुझे लग ही रहा था कि राजस्थान देख के लगा रहा, तभी मैंने बोला सी द फर्स्ट पार्ट. एंड क्षितिज, 7 PM क्लास आज नहीं होगा, बिकॉज वी टेकन द दिस वी हैविंग दिस क्लास. द नेक्स्ट क्लास वुड बी एट 9 PM. इंडियन ज्योग्राफी मिनी मॉक, वो अन अकेडमी के ऐप पे होगा, ठीक है. ये वाला होगा अन अकेडमी के ऐप पे, 9 PM वाला क्लास, ठीक है. सो बी अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है. एंड एब्सोल्युटली अनुराग, विंध्यास एमपी में, अ पार्ट ऑफ इट इज इन एमपी, पूरा का पूरा एमपी में. प्रशांत एब्सोल्युटली राइट, बी वॉज द करेक्ट, सेजल बी, सुधीर बी, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है. द क्वेश्चन इज दिस, सासाराम और रोहतास वेस्टर्न बिहार से चित्तौड़गढ़ तक कौन से रेंजेस जाते हैं, कौन से रेंजेस रन करते हैं, ठीक है. सो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी. नाइन पी एम एवरी डे होता है. आई कैन ट्राई टू फिक्स इट कि अगर मैं थोड़ा जल्दी कर पाऊँ ज्योग्राफी का क्लास, बट वरना फिक्स क्लास होता है. आई ट्राई की स्पेशल क्लास होगा देवजीत, आई ट्राई की इफ आई कैन चेंज दैट. आज तो क्लास लॉन्च हो गया, तो आज तो 9 PM होगा. कल से एक बार डिस्कस कर लेंगे एट व्हाट टाइम वी कैन प्लान दिस क्लास, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मालवा प्लाट्यू स्प्रेड्स ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. चार स्टेट्स दिए हैं, राजस्थान, सॉरी राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी. मालवा प्लाट्यू इसमें से कहाँ पे और किन पर तक जाता है, क्विकली क्विकली बताइए. और इन चार से रिलेटेड आपको कोड्स भी दिए गए हैं. सो वी हैव अनुषा हुज आंसर सी. ओके, मयंक हैज आंसर डी, देवजीत हैज आंसर सी. ओके, अलीशा हैज आंसर डी, माधव हैज आंसर डी. एब्सोल्युटली राइट गाइस, जिन्होंने डी आंसर करा, इट्स ऑल ऑफ दी डी ओनली, 1, 2, 3, ठीक है. मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में जाता है मालवा प्लाट्यू जो है. इट इज नॉट टच महाराष्ट्र. डी इज द करेक्ट वन, विच डीजे, दीप, शुभम, मयंक, पूजा, अनुराग हैव आंसर्ड करेक्टली. वी हैव सौभाग्य, फरहा, इंद्राणी, सुधीर, राहुल, प्रशांत वेरी एक्साइटेडली, हर्षिता डी. एब्सोल्युटली राइट, महाराष्ट्र इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है. वेस्टर्न मध्य प्रदेश, सदर्न ईस्टर्न राजस्थान और गुजरात इन द वेस्ट, इनको इंक्लूड करता है. और यहाँ पे मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया हुआ है, महाराष्ट्र इंक्लूडेड नहीं होता मालवा प्लाट्यू में. आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा. एब्सोल्युटली राइट हर्षिता, डी इज द करेक्ट वन. परफेक्ट परफेक्ट, चलो. ओके, सो रोशन हैज ऑल्सो आंसर डी. परफेक्ट रोशन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन दैट नोट, इन रीसेंट ईयर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज एक्सपैंडेड रैपिडली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिकली ग्रोन फार्म फूड्स एंड प्लांट्स. दिस इज इजी, वी हैव डिस्कस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेज नॉर्मल एग्रीकल्चर अ लॉट ऑफ टाइम्स. इकोनॉमी में भी डिस्कस करा है मैंने, और वी हैव डिस्कस्ड इन ज्योग्राफी ऑल्सो. सो आसान क्वेश्चन है ये, बस स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ो, आप इसको आराम से आंसर कर दोगे, ठीक है. क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज एक्सपैंडेड रैपिडली, क्या फायदा है जो भी फूड ग्रोन्स होते हैं ऑर्गेनिक में. वी हैव अभिषेक हुज आंसर ए, डीजे हैज आंसर सी, अनुषा हैज आंसर बी. एब्सोल्युटली राइट, साहिल एंड डीजे एंड ऋतुराज एंड अमय, सी इज द करेक्ट वन, बोथ 1 एंड 2, ठीक है. एब्सोल्युटली राइट, मोहित, राहुल, ए इज द करेक्ट वन, इंद्राणी, सुधीर, सी इज द करेक्ट वन इसमें.
Organically grown food has higher mineral nutrient content than food grown by conventional methods, and organically grown plants are more drought tolerant. Both of the statements are correct. Absolutely right, Farha, Anusha, Shraddha, both. Absolutely right, Sabhagya Lakshmi and Prashant. C is the correct option, both of the above. Okay, next question on that note. Which amongst the following? ओके मयंक, ड्राउट टॉलरेंट का मतलब होता है कि पहला चीज जैसे कोई भी आप विदर्भ या सतरा इस टाइप के एरियाज भी ले लो जहां पे कंटिन्यूअसली फेमीन आता भी है, ड्राउट होता है, जहां पे पानी की कमी होती है. ऑर्गेनिक फूड्स को आप इस तरीके से ड्रॉ कर को यूज कर सकते हो कि वहां पे कम पानी की जरूरत पड़े. ठीक है, कम पानी की जरूरत पड़े तो इसीलिए हम उनको ऑर्गेनिक फूड्स को वहां पे ग्रो कर सकते हैं. मिनरल न्यूट्रिएंट होना चाहिए ना. मिनरल न्यूट्रिएंट में कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं, आई थिंक आई गिवन द एग्जांपल ऑफ मिलेट्स यस्टरडे, जहां पे कम अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है. मिलेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिक फूड्स जो कि ड्राउट टॉलरेंट एरियाज में ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रिस्पेक्ट टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? So we already have answers coming. Abhishek has, oh sorry, Divya has answered C, Shitij has answered B, Anurag has answered D, Rituraj has answered C, Divya has answered C, Shitij is correct in this one, B is the correct one for this one guys. Okay, only two. In recent years, a cycle of shifting cultivation on a particular land has reduced drastically, that is absolutely true. Lekin इंडिया में जो एक्स्ट्रा वैगेंट होता है वो कल्टीवेशन ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होता है, जहां पे करंटली उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है, ना कि अरुणाचल में. ठीक है, इट इज बी फॉर दिस वन. जितने भी लोगों ने सी या ए मार्क करा हुआ है, अरुणाचल में होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, नो डाउट अबाउट दैट, बट करंट स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टिवेशन उड़ीसा में होता है. यहाँ तक क्लियर? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? बी ऑप्शन करेक्ट है कि रिसेंट ईयर्स में जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का साइकिल है वो कम हो गया है. ठीक है, एग्जैक्टली. जैसे बाजरा लाइक क्रॉप जो सैंडी सॉइल में जाएगा, वहां पे वो एक आप बोल सकते हो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है, वो वहां पे आते हैं. ठीक है, यहां तक सब क्लियर? नहीं नहीं, कंपेरेटिवली ये वाला एक बार मैं फिर से चेक दी परसेंटेज, बट आई थिंक उड़ीसा में मैक्सिमम होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, एंड माधव, टेरेस फार्मिंग भी होता है एपी में, बट कुछ कुछ पार्ट्स में वहां पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी होता है टुवर्ड्स द फॉरेस्ट एरियाज. ठीक है, thank you so much user id roof carting, I hope it really helps you. moving ahead to the next question, consider the following statements, isme se kaun sa true hai? ye to bahut asaan hai, ye to ratwa chuki hu main, I'm sure majority of rivers wala, we have read the entire river system. theek hai, drainage wala aram se topic by topic karwaya tha maine, do sessions mein karwaya tha, so ye to galat nahi hona chahiye. come on guys, quickly answer this question. Anurag C, DJ C, Abhishek C, perfect, kudos. C is the correct one. Majority rivers in India के उनका open basin होता है, majority rivers in India के वो Bay of Bengal में drain होते हैं. Perfectly fine. I think this will be a 100% poll, and it is. Mohit, Roop Gardening, Shritesh, Rituraj, Indrani. Okay, बहुत सारे लोगों ने B करा है, I'm surprised. Rahul, Abhinav, Deep, Madhav, Sahil, Divya, Devajit, Harshita, सौभाग्य, यद्वेंद्र, मयंक, हर्ष, अनुषा, वामसी. सी इज द करेक्ट वन, सुधीर सी. दिस इज नॉट 100%, कुछ लोगों ने बीमा करा. अभिषेक, आदित्य, सौभाग्य, आदित्य एब्सोल्युटली राइट. ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स इंडिया के जो है वो 80% उनका लाइक 90% ओपन बेसिन है, 90% जो टोटल रन ऑफ जाता है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, रिमेनिंग अरेबियन सी में. कुछ पार्ट्स हैं लद्दाख, नॉर्थ पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अरावली रेंज, एरिड पार्ट्स ऑफ थार डेजर्ट जहां पे इनलैंड ड्रेनेज होता है, वरना हर जगह ओपन बेसिन होता है. क्लियर? Absolutely right, Aditya. C is the correct one. I know Sahil 100% nahi hai. Something around 95% hoga. It's a decent enough good poll. I am happy with 90%, 95% also. Itna bhi nahi jata hai on the app. Chalo, next question. Consider the following irrigation projects with their water sharing state. Kaun sa project kahan pe water sharing hoti hai? Theek hai? Just tell me if the last option is like visible to you. Charo options dikh rahe hai na isme. Ashitaj, I'm really not sure. Please, एक बार आप ऐप पे चेक कर लो. Just search that like ऊपर डाल देना tags में psychology teacher. I really have no idea. So we have Anjali who's already answered the question as B. Okay, let's wait for a few more people to answer. Then we'll discuss the question. So we have the Kaleshwaram lift irrigation project, the Ghata Prabha river project, and Mayurakshi project. We have okay, perfect. And Deep who's answered C, Mayank has answered B, Shitij has answered B, okay, Debarit has answered B,
सो आई थिंक तीन डी आ चुके हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन है गाइस डी, ओनली थ्री. सिर्फ थर्ड वाला करेक्टली मैच है, बाकी दोनों इसमें गलत मैच हुए हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट दीप, सी डी इज द करेक्ट वन. बाकी सारे लोगों ने इस पे गेस वर्क करा है. तो जो घाट प्रवाह है आंध्र और कर्नाटका के बीच फ्लो होती है, के बीच है ये प्रोजेक्ट. कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच है, ना कि तेलंगाना और आंध्रा. ठीक है, घाट प्रवाह इज आंध्रा एंड कर्नाटका एंड नॉट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. सो डी इज द करेक्ट वन. वी हैव आदित्य, अंजलि, फरहा, हुज आंसर डी. एब्सोल्युटली राइट. एंड ऑल्सो सौभाग्य लक्ष्मी, जिन्होंने डी आंसर करा है. परफेक्ट गाइज, डी इज द करेक्ट वन. आदित्य इट्स डी, आई गॉट यू आदित्य सिंह. डी इज द आंसर, काम डाउन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग रिलेटेड टू कूल इरिगेशन. इसमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है रिलेटेड टू कूल इरिगेशन. द टेक्निक इज मोर प्रेवलेंट इन साउथर्न इंडिया. मेथड इन्वॉल्व्स नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ सर्फेस एंड सब सर्फेस वाटर फ्रॉम अ गिवन एरिया. एब्सोल्यूटली राइट मैम. घाट प्रवाह इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा. आई थिंक दिस वी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द लाइक द ड्रेनेज वाला सेशंस. सो वी हैव दीपक हुज आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज बी. ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर इट करेक्टली. क्विकली क्विकली, दीप इज आंसर डी, रुद्रा ऑल्सो डी. परफेक्टली गाइज, तीन डी आ गए. तो स्टार्टिंग थ्री बॉयज इट्स डी, नीदर वन नॉट टू. वी हैव अनुराग, क्षितिज, सौभाग्य, जिन्होंने ए और सी सी आंसर करा है. करेक्ट ऑप्शन है इसका डी गाइज, नीदर ऑफ द टू इज करेक्ट. पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए टेक्निक हिमालयन रीजन में प्रेवलेंट है, कूल डाइवर्जन जो होता है. और दूसरा इनकरेक्ट इसलिए, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है फार्मिंग का, जहाँ पे जो डाइवर्जन चैनल्स होते हैं दे विल बी कैरिंग द वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर टू अ विलेज. और ग्लेशियर्स कहाँ पे होते हैं, इंडिया में, हिमालयाज में. सो दी इज द करेक्ट वन. इंद्रानी हैज ऑल्सो आंसर करेक्टली डी. बाकी सब लोगों ने इसमें आई थिंक ए और सी मार्क करा है. हाँ, अभिषेक का था स्किप और जय माता दी, तो चलो लेट्स गो विद जय माता दी. आदित्य हैज आंसर डी, हर्षिता हैज आंसर डी, अभिनव हैज आंसर डी. सबको क्लियर हो गया व्हाई इज इट डी. परफेक्ट परफेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दैट नोट, थ्री मोर टू गो. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. दीपक हैज ऑल्सो आंसर डी, परफेक्ट. अनुराग, ग्लेशियल, परफेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिल्स विद देयर स्टेट. कौन सा हिल स्टेट, हिल्स जो है कहाँ पे लोकेटेड है. क्विकली क्विकली, वी हैव कांदाहर उड़ीसा, बिली जिरंगा कर्नाटका, एंड लुशाई असम. क्विकली क्विकली टेल इसमें से कौन सा सही है. दिस इज अ फेयरली इजी वन गाइस, कम ऑन. इट्स कांदाधर. ओके, नॉट कांदाहर, इट्स कांदाधर. तो कंफ्यूज मत हो जाना. सो मयंक हैज आंसर बी, दीप ने बोला है ऑल ऑफ द अबव. ओके, विपिन हैज आंसर थ्री, विच इज आई डोंट नो, थ्री तो कोई ऑप्शन नहीं. अच्छा, सी इन्होंने मार्क करा है. अनुराग हैज आंसर बी, अभिनव हैज आंसर बी, क्षितिज, आदित्य, रुद्रा हैव आंसर बी, हर्षिता बी, फरहा, रुद्रा, सुखवीर, अरिंदोम बी, आदित्य बी, अभिषेक हैज आंसर सी, रुद्रा बी, अनुषा सी, साहिल बी. रुद्रा समझ गए यार, बी है, काम डाउन. बी इज द करेक्ट वन. यस आदित्य, रुद्रा, बी इज द करेक्ट वन. ओनली वन एंड टू. ठीक है, जो लुशाई हिल्स हैं वो मिजोरम में और त्रिपुरा में जाते हैं, एंड यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से ये न्यूज में थे. कांदाधर उड़ीसा में है, बिलीजीरंगा जो है दैट इज इन कर्नाटका. ठीक है, नहीं लुशाई है जो मेजर पार्ट है, दैट इज इन मिजोरम एंड त्रिपुरा. इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से और एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से इट वॉज अ न्यूज. ठीक है, क्लियर, डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन. सो बी इज द करेक्ट वन ऑन दिस वन. एब्सोल्युटली राइट सुजल, अंजलि एंड फॉर ऑल द पीपल हु मार्क बी. यहां तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर ना. क्विकली टेल मी, यस नो एनीथिंग. परफेक्ट परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ देम इज और आर करेक्ट. ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़ना, जल्दीबाजी में प्लीज मार्क मत कर देना. एब्सोल्युटली राइट देवजीत, इट्स त्रिपुरा. ठीक है, सो क्विकली लाइक मार्क. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स दोनों में से करेक्ट हैं. अनुराग इज आंसर ए. ओके, लेट्स वेट फॉर टू मोर पीपल टू आंसर, देन आई विल टेल द आंसर. रुद्रा हैज आंसर बी, देवजीत हैज आंसर सी. सो गाइस, करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, व्हिच ओनली अनुराग हैज आंसर करेक्टली. बाकी सब लोग तुक्का कर रहे हैं. मयंक हैज आंसर ए, रूफ हैज आंसर ए, साहिल हैज आंसर ए, सुखवीर हैज आंसर ए, क्षितिज हैज आंसर ए. ओके, अभिषेक था जय माता सी और स्किप.
Aditya has answered it. DJ Deep, Aditya, Swabhagya, Sujal, user ID Mr. Gamer, Indrani. They've answered A. Amay has answered one. Absolutely correct, guys. It's only one. Ye 10,000 rupiah nahi hai. This is 15,000 rupees per month. Theek hai? Jo employees and they the only the employees earning less than 15,000 rupees are eligible under this scheme. And under this scheme, the government incentivizes the employers to hire new employees by paying 8.33% EPS contribution. ठीक है, यहाँ पूरा स्टोरी मैंने मेंशन किया है. सो 15 जो नए एम्प्लॉयज है उनकी वेज हो जाएगी 15,001 रुपए से ज्यादा पर मंथ. ठीक है, उससे जिनकी भी 15,001 रुपए से ज्यादा की वेज है, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस. सो वी हैव शलमली, आदित्य, सुजल, रोशन, सॉरी Aditya, Sujal and Deepak and Swabhagya who answered it. Absolutely right, Swabhagya. A is the correct option with 15,000 rupees. Okay? Under the Skill Ministry. Absolutely right. The Pradhan Mantri Rozgar Protsahan Yojana under the Skill Development Ministry. Absolutely right, Mayank. Chalo, final question of this session. Then you guys will be free till 9 p.m. Consider the following differences between GI, that is the geographical indications and the trademark. Kaun sa sahi hai dono statements se? Quickly tell. That's okay, Aditya Anurag. Thank you so much for your concern. But this is the last question. So we just threw with it. अब एक दो क्वेश्चन तो मैं हटा सकती हूँ ना अभिषेक. एवरीथिंग डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू ज्योग्राफी. आई कैन ऑल्सो एड अ फ्यू करंट अफेयर्स. सो वी हैव रोशन हुज आंसर्ड सी. I don't know what is this Mr. Gamer saying please for. I really have no clue. Anurag is answered C. Debajit C. Harshada B. Harshita. Okay, Harshada B and Harshita C. DJ C. Aditya A. Mohit C. Manisha C. Monica C. Roof Gardening C. Sukhveer also C. Absolutely right, guys. Correct option is C. Both of them are correct. GIs identify a good based on its originating place. Trademark identify karta hai a good based on origin from a particular company. Development of trademark is linked to human creativity. GIs are linked to topography independent of human creativity. Absolutely right. C is the correct option for this one, which so many people have answered correctly. Theek hai? Nitin, Telegram pe notification aaya tha yaar. 2:20 ke around class ka notification aaya hoga. Across all the telegrams it went. Absolutely right, Mr. Gamer, Sukhveer, Abhishek, Sahil, Indrani, Madhav, Divya, Shalmali, Pratik, Rudra, Farha. C is the correct one. Okay? Absolutely right, Swabhagya. C, Danish, Anjali. C is the correct one. Okay? Dono statements related to this question are correct. So guys, this was a set of questions I had from my end. Sabke sare doubt query questions clear related to all the 30 questions. किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन, किसी भी पार्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ नहीं आया हो, ठीक है, परफेक्ट ना. हाँ, दैट वाज 1998 WTO. सो सॉरी माया, वो ऊपर कमेंट्स में मिस हो गया. इट वाज 1998 WTO. आई थिंक जहाँ पे ये आया था आईपीओ वाला, ठीक है. It was like a mini combat with me. So every Sunday we will be having this mini combat. Ab next time se main na subjects alag alag leke aane wali hu. Economy or environment or science and tech also I'll introduce. ठीक है. Thank you so much for this particular class, guys. It was a wonderful session. So next class would be at 9 p.m. on the Unacademy app. It will be a Indian geography mini mock that we will be having. And Roshan, we'll be having, hum fixed class kar denge ye wala, ki is tarike ke marathons aur hote. Every Sunday this will happen. Don't worry about this, guys. Pakka hoga agli bar, agle Sunday se bhi. Theek hai? Monica, mera jo usual class hota hai, that is at 11:30 or 12 p.m. in the morning, pehla class, then 1 p.m., 2 p.m., 7 p.m. on YT and then 9 p.m. ठीक है. Now moving ahead to the last part. अगर आप अन अकेडमी का कोई भी कोर्स लेते हो, प्लस और आइकॉनिक, प्लीज गो फॉर द कोड SHIVGLIV. 10% का ऑफ ऑन द पेड कोर्सेज, और जो भी हमारे फ्री कोर्सेज होते हैं उसके लिए भी आप सेम कोड को यूज कर सकते हो. ठीक है. So have a wonderful day ahead, guys, everyone. Please rest well, have your lunches. So sorry to have caught you up for so long. And on that note, I'll take your leave. 9 p.m. पे मिलते हैं. किसी का एक थोड़ा बहुत भी डाउट मेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन रह जाए, प्लीज 9 p.m. पे पूछ लेना. आई हेल्प यू विद द सेम. ठीक है. चेतन, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं. प्लीज एक बार आप यूपीएससी का साइट देख लो, रिलेटेड टू एनी फॉर्म फिलिंग क्वेरीज ना, प्लीज यूपीएससी का नोटिफिकेशन देख लो, उसमें क्लियर कर देते हैं. ठीक है. That's wonderful, Mayank. Thank you so much, Shalmali. Thank you so much. I'll also share the PDF on the Telegram channel. So on that note, I'll take you. Leave. Stay in the session for a minute or two. My Telegram channel ka link bhi share kar deti hun. Okay? Good day, everyone. Thank you so much.